खरगोन शहर में भाजपा द्वारा स्वदेही कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष जन्माष्टमी 2021 से जन्माष्टमी 2022 तक संगठन पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। इसके 20 से 30 जनवरी तक मध्य प्रदेश में 65,000 बूथों पर जाकर बूथ को डिजिटल व सक्षम बनाने के लिए कार्य करेंगे। इस योजना में 20,000 कार्यकर्ता 10 दिन 10 घंटे प्रतिदिन यानी कुल 10 दिन में 20 लाख घंटे का समर्पण करते हुए प्रदेश के सभी 65,000 बूथों पर पहुंचेंगे। खरगोन जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र के 22 मंडलों में अभियान जारी है। इसमें 208 ग्राम केंद्र व 56 नगर केंद्र पर 560 विस्तारक 10 घंटे प्रतिदिन के मान से 10 दिन में कुल 56,000 घंटे का समय समर्पित करेंगे। ये जानकारी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता श्रीमती अर्चना चिटनिस ने खरगोन जिला कार्यालय पर पत्रकार वार्ता में दी। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर उपस्थित थे। यह वर्ष पूज्य कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष और इस वर्ष को भारतीय जनता पार्टी संगठन पर्व के तौर पर मना रही है। अनेकों कार्ययोजनाएं क्रियान्वित की जा रही और बूथ विस्तार योजना अपने आप में एक अभिनव और अब तक के मैं समझती हूँ किसी भी राजनीतिक दल के अंतर्गत इतना विस्तृत, इतना मेथोडिकल और स्टेप वाइज किया गया एक अद्भुत अभिनव प्रयोग। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के लिए तो जानी ही जाती, लेकिन आप ये देखें कि इसकी संगठन की क्षमता कैसी है, हमारे संगठन की अपनी ताकत कैसी है कि मध्य प्रदेश के 20,000 कार्यकर्ता 10 दिन तक 10 घंटे अर्थात 100 घंटे देंगे और घंटों के मान से देखा जाए तो 20 लाख घंटे कार्यकर्ता राष्ट्रवाद से ओतप्रोत होके देश के लिए समर्पित होकर अपने दल के माध्यम से देश की सेवा करने के मनोभाव को लेकर 100-100 घंटे कार्यकर्ता अपने जीवन के, अपने व्यक्तिगत जीवन के कामों को छोड़कर अगर जिस पार्टी का कार्यकर्ता दे सकता है, ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और वह ठाकरे जी जिन्होंने अपना जीवन समाज के लिए, देश के लिए, पार्टी के लिए दिया, विचार के लिए दिया, उन ठाकरे जी की स्मृतियों में उनसे प्रेरणा लेकर अपने अपने जीवन के 100-100 घंटे 20,000 कार्यकर्ता बूथ विस्तार योजना के अंतर्गत देकर 65,000 बूथ तक पहुंचेंगे। जानकारियों का संकलन नहीं बल्कि ये एक प्रकार से गतिशील तरीके से आगे बढ़ती हुई पार्टी के कार्यशैली की गहराई का द्योतक है। यूपी में आज हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।